बेटा कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो आपके साथ करना चाह रहा हूँ, ठीक है? कैसे बोलना है थोड़ा सा मुझे पता नहीं है, और कितना बोलना है ये भी शायद नहीं पता ना। तो बहुत मतलब जो बातें हैं मैं एकदम क्लियर बताऊँगा आपको कि क्या मैं सोच रहा हूँ। फाइनली PW के प्लेटफॉर्म से मैं क्विट कर, ठीक है? मैं अब PW के प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब मैंने ये डिसाइड किया है। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। जिस प्लेटफॉर्म को हमने अलग सर के साथ मिलकर रात दिन बनाया और बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना मतलब वहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों का प्यार एकदम भरा हुआ है, और हम जैसे टीचरों को जिन्होंने जो एक मामूली ऑफलाइन के टीचर थे, ये बच्चों का प्यार था जिसने उन्हें स्पेशल बना दिया। और एक इस प्यार के साथ मतलब हम ये फील करते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है हमारे पास, कि एक जिम्मेदारी है कि यार अगर हमें कहीं फील होता है कि हम बच्चों के लिए शायद उतना नहीं कर पाते जिस रीज़न से हम जुड़े थे। मतलब पता नहीं कितने लोगों ने हमें ट्राई किया कि आ जाओ आप हमारे पास आ जाओ, हम गए नहीं, तो वो एक रीज़न था जिस वजह से हम जुड़े रहे। पर अगर वो रीज़न कहीं धूमिल हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वो रीज़न नहीं रहा वैसा वाला ना, तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि यार अब मुझे रुकना चाहिए और मुझे कुछ और देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब मैं अपने लेवल पे कुछ कोशिश ज़रूर करके देखूँ, कम से कम मुझे ये तो फील नहीं होगा ना कि यार मैंने ट्राई नहीं किया था, कम से कम एक ट्राई तो ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये वो मतलब टाइम है जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं यहाँ से PW से एग्ज़िट ले रहा हूँ, और रीज़न मैं बिल्कुल क्लियर रख रहा हूँ कि मुझे अभी फील हो रहा है कि अब मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए। जो रेवोल्यूशन पे मैं जुड़ा था, जहाँ पर बच्चों के लिए मतलब सब कुछ किया जाता था, उसी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है, जहाँ पर हम हर एक बच्चे के साथ उतनी मेहनत कर सकें जितना हम चाहते थे स्टार्टिंग से। मैं शायद आपको बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि PW आज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, स्टिल अपने जो पेपर्स होते थे वो मैं खुद बनाता था। आज तक मैंने किसी अपने टीचर को दिया नहीं है बनाने के लिए। तो मतलब इतना मुश्किल था मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता। और अब आगे क्या ये नहीं पता, मतलब आगे हम कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छा करें। मतलब मेरे सोच जैसे और भी लोग हैं शायद वो मेरे से जुड़ जाएं, है ना? वो रखते हैं मेरे, हमारी बात होती है ना, हम देखते हैं यार बच्चों की प्रॉब्लम्स भी समझते हैं। मेरा किसी को लेके कोई मतलब वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये है कि अब मतलब बच्चों के लिए अगर हम थोड़ा और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बहुत हाइट पर पहुँच कर, बहुत ऊंचाइयों पर पहुँच कर भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो गलत है। तो यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या बढ़ना है। तो यहाँ से मैं कुछ अपना ही करूँगा, कुछ अपना ट्राई करूँगा बच्चों के लिए, पर मैं उनको छोड़ूंगा नहीं लास्ट तक। और मुझे पता है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर बुरे टाइम पे, हर वैसे टाइम पर ये रहे हैं मेरे साथ। मतलब जो भी मैंने पढ़ाया उस पर ट्रस्ट कराया, उसको पढ़ा है ध्यान से। पता है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर बुरे टाइम पे, हर वैसे टाइम पर ये रहे हैं मेरे साथ। मतलब जो भी मैंने पढ़ाया उस पर ट्रस्ट कराया, उसको पढ़ा है ध्यान से, उसको एग्ज़ाम में सराहा है, मार्क्स आए हैं, बताया है। हर मेडिकल कॉलेज में वो बच्चा है जो मुझे देखेगा उसको बड़ा मतलब अजीब लगेगा कि यार सर कैसे चले गए। लेकिन अब सर को भी आपको समझना पड़ेगा कि यार सर कुछ सोच के ही कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा यार, है ना? तो ठीक है, आपका सपोर्ट लगेगा, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग शायद कारण खोज रहे हों, कारण आपको मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि अब एक समय होता है जब हमें रुक जाना चाहिए। अगर आपको उस तरह का सपोर्ट ना दिखे, उस तरह की चीज़ें ना दिखें, और उस तरह का मतलब आपको सिस्टम में पता ना चले, क्योंकि सिस्टम जब बहुत बड़ा होता है तो कई बार उस तरीके से चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती जो बच्चों के हित में जाएं, तो ठीक है। मतलब अब मुझे फील हो रहा है कि आई शुड क्विट, है ना? और कुछ मतलब बड़ा करेंगे, बच्चों के लिए बनाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और पता नहीं मतलब क्योंकि यार इतने पैसे शायद ही होते हैं अकाउंट में कि मास्टर के वो साल भर रोटी खा सके, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पर इतने पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं कि यार पूरा ऐश करनी है अपने को ना, ठीक है कर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है बेटा, मिलते हैं जल्दी, बाय।